हेलो गाइस, हम अपनी टॉपिक पोजीशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, एक्सप्लेन किया था, डिफिनीशन किया था, पर्पस किया था, आर्टिकल को दिया था, जनरल प्रिंसिपल्स को दिया था और टाइप्स में उसको इनलिस्ट किया था, और जिसमें उस टाइप्स में हमने सुपाइन जो है कि एक्सप्लेन किया था। बट फिर मुझे लगा कि मैंने तो ठीक है पढ़ाया तो सही है, बट उसमें हमने प्रोसीजर को नहीं कंसिडर किया था, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हो जाती। हाँ, हमें ठीक है पता है सुपाइन पोजीशन तो ले लिया, बट पता तो होना चाहिए कैसे देंगे। तो इस वजह से जो है कि टॉपिक्स में अभी प्रोसीजर इंक्लूड होगा, पर्पस देंगे उसका, प्रोसीजर देंगे और क्या प्रॉब्लम टू बी प्रिवेंट करने चाहिए उस पोजीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आएगा फाउलर पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। सो हियर कम्स, ओके लेट मी डू वन सेटिंग। ओके ठीक है, फाउलर पोजीशन यहाँ पे पर्पस है टू रिलीव और मिनिमाइज द डिस्पिनिया। डिस्पिनिया आपने देखा वो क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया। और फिर क्या है, नेक्स्ट है टू रिलीव द टेंशन ऑन एब्डोमिनल सूचर, मतलब कि जो सूचरिंग हुई है वहाँ पे जो टेंशन, मतलब स्ट्रेंथिंग, मतलब उसका खिंचाव कम करना। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग सुपाइन पोजीशन देते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके प्रोसीजर को देखते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर दें सी। ठीक, प्रोसीजर पे जाते हैं। प्रोसीजर पहला क्या है, इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ द पोजीशन ही विल बी इन एंड प्रोवाइड नीडेड एक्सप्लेनेशन। मतलब क्या है कि अभी आप दे रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं करोगे, पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो उसके अंदर एक एंजाइटी वाली फीलिंग आ जाएगी, भाई करने क्या जा रहा है मेरे साथ। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा जो है कि एक्सप्लेन करना है नॉर्मली। देखिए, एंजाइटी एंड प्रमोट रिलैक्सेशन, कि हाँ ठीक है उसको रिलैक्स होगा कि नहीं भाई, हाँ अभी मुझे कंफर्ट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए जो है पोजीशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप देखते रहिएगा। सेकंड क्या है, एलिवेट हेड ऑफ द बेड, मतलब कि बेड का जो हेड है उसको एलिवेट करने हैं। फाउलर पोजीशन दे रहा ना, तो इसमें दो टाइप से दिए जाते हैं, दो टाइप से जो फाउलर पोजीशन, पहला वाला दिया जाता है 45 to 90 degree पे, ठीक है, राइट एंगल वाले पे दिया जाता है, और जो दूसरा दिया जाता है 15 to 45 वाले पे, जो कि एक्यूट एंगल, किस पे, एक्यूट एंगल पे। देखिए, हाई फाउलर किसको कहते हैं, जो कि 90 degree पे दिया जाता है उसको हाई फाउलर कहते हैं। और ऐसा इसलिए, देखिए जो डिस्पिनिया वाले पेशेंट होते हैं ना, तो उनको क्या कर दिया जाता है जनरली 90 degree, मतलब हाई वाला जो है कि फाउलर पोजिशन दिया जाता है, क्योंकि डिस्पिनिया से रिलीफ पाने के लिए। ठीक है, अभी जब हम नेक्स्ट वाली बात करते हैं तो आते हैं, सॉरी थर्ड पे चलते हैं। ये आप देख लो, ये कैसे पेशेंट जो है कि सुपाइन, दैट इज़ द फाउलर पोजीशन बाई मिस। ठीक है, फाउलर पोजीशन कैसे, और ये देखिए 45 के एंगल पे दिया हुआ है ये चीज़, 45 एंगल, आप 90 ऐसे होगा, और एक्यूट एंगल पड़ा है ना, ऐसे किया, और ये देखो 15 वाला गया, ये आपका 45 गया, और ये 90 गया। ठीक है, ये 15 वाला एंगल हो गया, ये 45 वाला हो गया, और ये 90 degree, तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है थर्ड, रेस्ट द हेड अगेंस्ट मैट्रेसेस एंड स्मॉल पिलो। कह रहा है कि हेड को जो है कि स्मॉल पिलो से सपोर्ट दीजिए, और मैट्रेसेस तो जनरली जाहिर सी बात है जब बेड मेकिंग होती है तो हाथ लगते ही। नेक्स्ट, प्रिवेंट द सर्वाइकल फ्लेक्शन कन्वेचर। कह रहा है कि जो सर्वाइकल फ्लेक्शन होता है, मतलब कि पेन होने लगेगा सर्वाइकल में, उसका जो फ्लेक्स होने लगे, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या, अगेंस्ट द मैट्रेसेस थोड़ा पिलो देते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, पिलो इसने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट, यूज़ पिलो टू सपोर्ट द आर्म। कह रहा है कि पिलो प्रोवाइड करिए आर्म को सपोर्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि जो ये एंगल प्रोवाइड करता है, तो ये जब हेड एलिवेट हो जाता है तो यहाँ पे हैंड को थोड़ा सा स्ट्रेच करने पड़ जाते हैं, तो इस वजह से अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, पेन होने लगता है कुछ टाइम के बाद। प्रिवेंट द शोल्डर डिसलोकेशन, हमने बोला ना थोड़ा सा आपको नीचे हो जाता है, पेन करने लगता है, डिसलोकेशन। प्रमोट द सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट द फ्लेक्शन ऑफ आर्म एंड रिस्ट, फ्लेक्शन इन सबको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्लेस ए स्मॉल पिलो एट लोअर बैक। आप लोअर बैक मतलब लंबा रीजन देखते हो, यहाँ से जब ये पिलो हटाया जाएगा
ठीक है, रीजन ये जब पिलो हटाया जाएगा तो यहाँ पे ये लंबा रीजन जो रहता है यहाँ पे आप सपोर्ट देने के लिए पिलो दोगे। आप जनरली खुद ही बैठ के देखते हो बेड पे तो यहाँ आपके लंबा रीजन में थोड़ा सा गैप हो जाता है, वहाँ पे देना है। क्यों? सपोर्ट लंबार वर्टिब्री एंड प्रिवेंट द एग्जाग्रेटेड फ्लेक्शन ऑफ वर्टिब्री। ओके, ये तो आप सबको पता है, चीज़ वही है, फ्लेक्शन को जो है कि प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी बॉडी पार्ट के उस फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है ना। 6-1 है, प्लेस ए स्मॉल पिलो और रोल अंडर द थाई। अब थाई के नीचे भी तो देना है ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए प्रिवेंट, ओके लेट मी प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी एंड ऑक्सुलेशन ऑफ पॉपुलेटियल आर्ट्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ बॉडी वेट। यहाँ पे पॉपुलर आर्ट्री पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा, उससे भी प्रॉब्लम, उससे सर्कुलेशन में अच्छा नहीं होगा इसकी वजह से। हाइपर एक्सटेंशन मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, हाइपर एक्सटेंशन है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिलैक्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्लेस स्मॉल फिलो अंडर द एंकल। अब एंकल देख रहे हो, एंकल के नीचे स्मॉल पिलो। अब ये नहीं है कि पिलो बोल दिया है तो मतलब पिलो, कुछ हाई वाले होते हैं हाई हाइट के, कुछ लो हाइट के, इस वजह से उतना ही देना है जहाँ जितना उतनी हाइट होनी चाहिए पिलो की, जो पेशेंट के कंफर्ट को मेंटेन रखे, ठीक है। प्रिवेंट द प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन हील। ये क्या करता है कि प्रेशर, जो हील पे प्रेशर पड़ता है उसको प्रिवेंट करता है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रिवेंट करनी चाहिए फॉलोअर पोजिशन देते वक्त, क्या क्या हो सकती हैं? पोस्टीरियर फ्लेक्शन ऑफ लंबर कर्वेचर, चीज़ वही हमने बताया था ना कि देना है पिलो हमारे लंबर रीजन में। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, ज़्यादा देर तक ऐसे देखिए 90 डिग्री पे ऐसे रखा उसने तो वो हो जाता है, ठीक है। एडिमा ऑफ हैंड एंड आर्म, जाहिर सी बात है एडिमा हो जाएगा। पॉसिबल डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, ज़्यादा स्ट्रेच मतलब तनने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा तनाव पड़ने की वजह से जो है कि डिसलोकेट हो सकता है शोल्डर। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द रिस्ट, आपका जो है कि रिस्ट वो ज़्यादा टाइम तक नीचे रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप, इसके लिए क्या करते हैं ना, ट्रोकिएंटर रोल। हिप रीजन पे जो है कि कहीं ना कहीं बैठे एक ही पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा पेन कॉज करने लगता है, इस वजह से जो है कि ट्रोकिएंटर रोल प्रोवाइड किया जाता है। प्रेशर और हील पे देखो प्रेशर पड़ता है तो इस वजह से वहाँ पे भी स्मॉल पिलो प्रोवाइड करना है। प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फीट और फूट ड्रॉप, अब देखो इसको प्रिवेंट करने के लिए, फूट ड्रॉप से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, फूड बोर्ड देना पड़ता है, तो वो भी कुछ ज़्यादा टाइम के लिए दे दोगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम जाती है फूड ड्रॉप की, ठीक है। इससे तो ये सारी चीज़ें हैं, 9 प्रॉब्लम्स जो कि फॉलोअर पोजीशन देते वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए। कहते हैं ना एवरी 2 आवर्स में चेंज करना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। जब हमारा अब नेक्स्ट आर्थोपेनिक पोजीशन, ठीक है, हमारा क्या है आर्थोपेनिक पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं उसके लिए। ओके, यस डन। ओके, आर्थोपेनिक पोजीशन। आर्थोपेनिक पोजीशन क्या है? हाई फाउलर पोजीशन विथ ओवर बेड टेबल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। कह रहा है कि 90 डिग्री वाला जो पोजीशन आप दे रहे हो पेशेंट को, ओवर बेड टेबल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, मतलब कि एक टेबल प्लेस किया जाता है पेशेंट के फ्रंट में, पेशेंट टू रेस्ट। अब ये देखिए पेशेंट का बेड है, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट है और यहाँ पे एक एज अ कार्डियक टेबल, आपने देखा है ना कि कार्डियक टेबल ऐसे होता है, तो इसी को यहाँ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। पेशेंट टू रेस्ट बोथ हैंड ऑन ओवर बेड टेबल और ऑन पिलो प्लेस ऑन इट एंड लीन फॉरवर्ड। लीनिंग फॉरवर्ड फैसिलिट रिस्पायरेशन बाई अलाउिंग द मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि पेशेंट को जब वो टेबल, जनरली क्या होता है वो टेबल प्रोवाइड करने का मतलब, उसका मतलब है कार्डियक टेबल ही प्रोवाइड करने को बोल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो। कार्डियक टेबल आपने दे दिया, उसको प्रोवाइड किया, उस पर जब वो लीन करेगा मतलब कि फॉरवर्ड उस पर ऐसे लेटेगा, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते रहते हैं तो ज़्यादा जब लंबा रीजन हमारी वर्टिब्री पेन करने लगती है तो हम धीरे से लेट जाते हैं ना, तो जिस उसी सेम पोजीशन में वो लेट जाएगा और अपने हैंड को यहाँ पे क्या किया, रेस्ट बोथ हैंड ओवर द बेड टेबल, वो दोनों हैंड को क्या करेगा ऐसे रेस्ट पोजीशन में ला देगा, ठीक है।
लीनिंग फॉरवर्ड फैसिलेट, अब ये चीज़ क्या करता है कि आपको यूज़ ऑफ कार्डियक टेबल, जहाँ तक मुझे लगता है पता ही होगा, कार्डियक पेशेंट को देते हैं, और फिर जो रिस्पायरेशन वाले पेशेंट होते हैं जिनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए, क्योंकि वो फैसिलेट करता है चेस्ट एक्सपेंशन को मैक्सिमम, आपको जो है कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। अब इंडिकेशन क्या है कि किस किस पेशेंट को देना है ये पोजीशन। फर्स्ट पेशेंट विद सीवियर डिस्पिनिया, डिस्पिनिया मैंने बता दिया था आपको, डिस्पिनिया मैंने बताया था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मैंने बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। बट यहाँ पे ये सीवियर है, बहुत ही ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कार्डियक पेशेंट, हमने बताया था ना कार्डियक टेबल मतलब कार्डियक पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। पोजीशन फॉर थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस वाले पेशेंट को देना चाहिए। पेशेंट विद द चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब, जो मतलब कि चेस्ट से, कहते हैं ना कि लंबा रीजन से हमने फ्लूइड लिया उसको चेक करने के लिए, उसके CSF वॉल्यूम को, इन सबको, तो जस्ट वही सेम है, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब, ठीक। इसके लिए ये देते हैं आर्थोपोनिक पोजीशन, जो ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बस इसी को चीज़ ऐसी हमने आपको ऊपर बताया ना फाउलर पोजीशन, तो वही हाई फाउलर पोजीशन वही है, उसी सेम कंडीशन में देना है। कंफर्ट डिवाइसेस वही सेम यूज़ होंगे, बट वन थिंग इज दैट कि यहाँ पे कार्डियक टेबल का यूज़ किया गया है और पेशेंट जो है लीन फॉरवर्ड करेगा, अपने हैंड को रेस्ट करवाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अ सुपाइन पोजीशन। कलर डिफरेंट चूज कर ले भाई, प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत, ओके। नाउ सुपाइन पोजीशन, जिसको हम लोग डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन भी कहते हैं या बैक लाइन पोजीशन भी कहते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया कि इसको बैक लाइन पोजीशन भी कहते हैं। प्रोसीजर इसका क्या है, आफ्टर प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोसीजर, प्लेस द पेशेंट ऑन बैक विद हेड ऑफ द बेड फ्लैट। आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, ये मेन थिंग है, ये फंडामेंटल एक, ये पेशेंट का राइट है कि उसको प्रोसीजर जानना है, वो उसका राइट है कि वो क्या उसके साथ होने वाला है, उसको वो चीज़ पता होनी चाहिए, उसको पता होनी चाहिए, उसके फैमिली मेम्बर्स को पता होनी चाहिए, ये पेशेंट का राइट है, ओके। अब उसको जो है कि क्या करना है कि बैक विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट, आप उसको ऐसे सुला दीजिए आराम से। नाउ सेकंड, प्लेस स्मॉल रोल टॉवल अंडर द लंबर एरिया ऑफ द बैक। जाहिर सी बात है आप खुद सो के देखो, एक सुपाइन पोजिशन में आप खुद लेटना, तो वहाँ पे आपके लंबर रीजन में थोड़ा सा गैप आता है, तो उसको ये नहीं करना है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई हाइट वाला चीज़ प्रोवाइड कर देना है, तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पे ना ट्रॉन्केटर रोल यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ट्रॉन्केटर रोल यूज़ कर सकते हैं, जो कि हिप रीजन पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे आपके लंबा रीजन पे भी सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द लंबर स्पाइन, ठीक है, ये हो गया। क्या कह रहा है नेक्स्ट, प्लेस द पिलो अंडर हेड नेक एंड अपर शोल्डर। कह रहा है कि अंडर हेड नेक एंड अपर शोल्डर, ये चीज़ मतलब कि इतना इतना आपको यहाँ पे पिलो प्रोवाइड करना है, शोल्डर पे किया, अंडर नेक किया, अंडर हेड किया, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों, मेंटेन द करेक्ट अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट द फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। वो चीज़ मैंने प्रीवियस पोजीशन में बता ही दी है फाउलर पोजीशन में कि ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे, क्या कह रहा है, प्लेस ट्रॉकेंटर रोल और सैंड बैग पैलेट टू द लेटरल सर्फेस ऑफ थाई। हमने ये चीज़ बताई दिया ना कि आपका ट्रॉकेंटर रोल प्लेस करना है थाई के, रिड्यूस द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप, हिप का ज़्यादा रोटेशन ना हो, ठीक है। उससे ऐसा होता है कि जब लेटरली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है तो कहीं ना कहीं पेशेंट को ये कंफर्ट प्रोवाइड करता है। प्लेस स्मॉल पिलो अंडर द थाई के अंडर जो है कि स्मॉल पिलो प्लेस करना है, प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नीज का हाइपर एक्सटेंशन प्रिवेंट करने के लिए। जो अब देखिए यहाँ पे नीज जहाँ पटेला होता है ना, तो ज़्यादा स्ट्रेच होता है, तो उसके नीचे वाला जो नहीं होता है हाइपर एक्सटेंशन, उससे प्रिवेंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 पॉइंट, प्लेस स्मॉल पिलो और रोल अंडर द एंकल टू एलिवेट द हील। एंकल के नीचे जो है कि स्मॉल पिलो जो है, स्मॉल पिलो या फिर रोल अप करके किसी भी हैंकी का, ठीक है, उसको प्लेस करना है, प्रिवेंट द प्लांटर फ्लेक्शन फूड ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो प्लांटर फ्लेक्शन। नाउ 7th, प्लेस फुट बोर्ड अंडर द बॉटम ऑफ फीट। ये चीज़ कॉमन है,
एंड सॉरी दैट वन आई हैव एलिवेट द हील एंकल के नीचे जब प्रोवाइड करना है तो प्रेशर ऑन हील उसको प्रिवेंट करना, और जब ये फूड पे जो है कि फूड बोर्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये फ्लेक्शन और फूड ड्रॉप से प्रिवेंट करेगा. ओके नेक्स्ट 8 क्या है, प्लेस पिलो अंडर द प्रोनेंट आर्म मेंटेनिंग अपर आर्म पैरेलल टू बॉडी. ठीक है जस्ट ये क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको डिलीट कर ले पहले. भाई कहाँ जा रहे हो, देख रहे हो भाग रहा है, हमने किया इसको डिलीट किया. ठीक है कह रहा है कि हाँ प्लेस पिलो अंडर प्रोनेटेड आर्म मेंटेनिंग अपर आर्म. ठीक है अंडर आर्म आपको जैसे कि हमने ये आर्म को लिया है सुपाइन पोजीशन में लेटे हैं भाई आराम से, तो आर्म में ना जर्नी वहाँ पे क्या होता है ना बेड सोर कॉजेज मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे सोर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको पिलो देना ही है जो कि आपके पैरेलल होना चाहिए बॉडी के अपर आर्म पैरेलल टू द बॉडी. रिड्यूस द इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो. ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है शोल्डर में पेन होने लगते हैं. नेक्स्ट क्या है, ए पेशेंट इज पैरालाइज प्लेस हैंड रोल इन हैंड रिड्यूस एक्सटेंशन ऑफ फिंगर एंड अबडक्शन ऑफ थंब मेंटेन थंब इन स्लाइट एडक्शन एंड इन अपोजिशन. क्या कह रहा है कि अगर पेशेंट जो है पैरालाइज है तो उसके हैंड में एक रोल देना है. ठीक है क्या होता है ना कि जो पेशेंट पैरालाइज है तो कंटिन्यू जब उनकी उंगलियाँ बंद रहती हैं मतलब फिस्ट रहता है तो यहाँ पर प्रेशर सोर क्योंकि आपके नेल जो है कि जनरली डे बाई डे इंक्रीज ही करता है तो प्रेशर सोर जनरली कॉज ही कर सकता है, वो आपके पाम के अंदर जा सकता है. ठीक है अगर उसको टेक केयर अच्छे से ना किया गया तो. क्या कह रहा है कि एबडक्शन ऑफ थंब मतलब कि आपके मीडियल लाइन से दूर और मेंटेन द थंब इन स्लाइट एडक्शन और जो है कि मीडियल लाइन के पास इन सबको मेंटेन करना है एक पोजिशन में. नाउ नेक्स्ट क्या है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन जब हम देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, नेक्स्ट पोजीशन फ्लेक्शन ऑफ लंबर कर्वेचर, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नीज, प्लैंटर फ्लेक्शन, प्रेशर ऑन हील. ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही नॉर्मल है क्लियर है. अगर आपने देखिए पोजिशनिंग को जब पढ़ना है तो आप सिंपली फर्स्ट थिंग क्या पढ़ो हम बताते हैं, आप पहले कम्फर्ट डिवाइस एंड नेक्स्ट एक चीज़ और है कंफर्ट डिवाइस के बाद बेड सोरा पढ़ लो. ठीक है और थोड़े से जो टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी के फर्स्ट चैप्टर में जो है स्टार्टिंग में ही यूज़ कर दिए जाते हैं जैसे कि एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, लेटरल हो गया, रोटेशन हो गया, सरकम एक्सटेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ लेनी चाहिए. बहुत नॉर्मल नॉर्मल है. ये इतना पढ़ लोगे तो देखिए इससे क्या होगा ना कि आपका एनाटॉमी में टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगा, कंफर्ट डिवाइजेस क्लियर हो जाएंगे, बेड सोर क्लियर हो जाएगा और उसके साथ साथ पोजीशन चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा. तो एक साथ आपकी चार टॉपिक्स क्या है क्लियर हो गई. ठीक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करके रखो. ओके नेक्स्ट अब हमारा है क्या प्रोन पोजीशन. ठीक है प्रोन पोजीशन जस्ट सुपाइन पोजीशन आपने देखा वो बैक पे करता है भाई, वो जो है कि एकदम बैक लाइन होता है, बट इसको जो है बैक लाइन नहीं है, ये आपके एंटीरियर वाली पार्ट जो है वो एज अ बैक पे मतलब बेड पे लेटर रहता है. ठीक है स्टार्ट करते हैं. इंडिकेशन क्या है फॉर पेशेंट विथ प्रेशर सोर. ओके उनके लिए दिया जाता है. देखिए सुपाइन पोजीशन में क्या है ना कि क्यों किस किस पेशेंट को दिया जाता है सुपाइन पोजीशन वाला, ये भी तो आपके माइंड में कि हमने प्रोन पोजीशन में इंडिकेशन पढ़ लिया तो सुपाइन वाला भी तो पता ना चाहिए. सुपाइन वाला जनरली क्या होता है एंटीरियर पार्ट में आपके कोई भी जैसे कि प्रेशर सोर है या बर्न है, इंजरी है, ऑपरेशन है ऑफ दी एंटीरियर साइड, फ्रंट साइड का कोई ऑपरेशन है तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं सुपाइन पोजीशन देते हैं. ठीक है अब चलिए आते हैं इसके सामने. और मेन चीज़ यह है कि जनरली सुपाइन पोजीशन इज़ अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द पेशेंट. अब वो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे जो है कि पोजीशंस प्रोवाइड किए जाते हैं.
इंडिकेशन आपने देख लिया कि अगर कोई ऑपरेशन हुआ बैक में या बर्न है, इंजरी है, प्रेशर सोर है। फॉर पेशेंट आफ्टर 24 आवर एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम, अगर किसी पेशेंट का लोअर लिम का एम्पुटेशन मतलब कि कट हुआ है वो बॉडी पार्ट, तो उसको प्रोन पोजिशन देना है। पोजिशन फॉर द रीनल बैस भी, अगर आपकी रीनल बैस भी हुई है तो जो है कि वहाँ पे ये प्रोन पोजिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आप प्रोसीजर में आ जाओ। आफ्टर प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोसीजर, रोल पेशेंट ओवर विद आर्म पोजिशन क्लोज टू द बॉडी विद एल्बो स्ट्रेट एंड हैंड अंडर हिप, पोजिशन द पेशेंट ऑन एब्डोमिन इन सेंटर ऑफ बेड विद द बेड फ्लैट। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखो क्या क्या, पेशेंट को ऐसे उसके फ्रंट पे जो है कि बेड पे लेटा दिया, ठीक है। हमने एक्सप्लेन किया ये राइट है पेशेंट का, सब कुछ जानने के लिए, ठीक है, हमने दे दिया। अब उसके एब्डोमिन से जो है पेशेंट ऑन एब्डोमिन, एब्डोमिन की तरफ उसको जो है लेटा देंगे और फिर जो है कि उस बेड फ्लैट पे। नेक्स्ट पॉइंट है टर्न द पेशेंट हेड टू वन साइड एंड सपोर्ट विद अ स्मॉल पिलो, पेशेंट के जो हेड को है उसको टर्न कर देना है, या तो आप लेफ्ट साइड टर्न करो या राइट साइड टर्न करो, जैसे ये देख लो, ठीक है, आपने टर्न कर दिया। इससे क्या होता है ना कि पेन ज़्यादा टाइम तक नहीं ऐसे टर्न करके रखना, उसके पोजीशन हेड की पोजीशन को भी चेंज करना है, नहीं तो पेन होने लगता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं, ठीक है। फ्लेक्शन, रिड्यूस द फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, इस वजह से। प्लेस स्मॉल पिलो अंडर द एब्डोमिन बिलो द डायफ्राम, रिड्यूस द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लंबर वर्टिब्री एंड स्ट्रेन ऑन लोअर बैक, रिड्यूस प्रेशर ऑन बेस फॉर वुमेन एंड ऑन जेनाइटल फॉर मेन। क्या कह रहा है कि आप प्रेशर क्यों एब्डोमिनल एरिया पे दोगे, कैसे, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लंबर वर्टिब्री, जब आप पीछे की तरफ होगे तो धीरे से आपका ये जो स्ट्रेस हो जाता है, मतलब लंबर रीजन होता है वर्टिब्री, वो स्ट्रेस हो जाता है, मतलब स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए बैक पे। फिर जो है प्रेशर वुमेन में जो है कि ब्रेस्ट पे प्रेशर ना पड़े इस वजह से देते हैं, और फिर मेन में जो है कि जेनाइटल एरिया पे प्रेशर ना पड़े इस वजह से पिलो वहाँ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, देख लेते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट पे सपोर्ट आर्म इन फ्लेक्स पोजीशन एट द लेवल ऑफ शोल्डर, ठीक है, रिड्यूस रिस्क ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, ठीक है, इसमें देते हैं। सपोर्ट लोअर लेग विद द पिलो टू एलिवेट टोज, टोज को एलिवेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब जब आप प्रोन पोजीशन में होते हो कहीं ना कहीं आपका टोज जो है कि डायरेक्टली बेड से जब सपोर्ट पा जाता है तो थोड़ा सा पेन में आ जाता है कुछ टाइम के बाद। प्रिवेंट द फुट ड्रॉप एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग, रिड्यूस द प्रेशर ऑफ मैट्रिसेस ऑन टोज, ओके। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है कि आती हैं प्रोन पोजीशन देते वक्त, तो उससे प्रिवेंट भी करना है, तो प्रॉब्लम्स को जान लो तो उससे प्रिवेंट इजीली कर सकते हो। प्रिवेंट देखो कैसे करना है कि आपको जो कंफर्ट डिवाइस है उसका सही यूज़ करना है और पोजीशन को एवरी 2 आवर में चेंज करना है। ये नहीं कि हाँ उसका ऑपरेशन हुआ है बैक में तो आप उसको प्रोन पोजीशन ना देके सुपाइन पोजीशन दोगे, नहीं, एवरी आवर मतलब चेंज करने के बाद थोड़ा सा उसकी पोजीशन को शिफ्ट कर दोगे, दोगे प्रोन पोजीशन बट थोड़ा सा पोजीशन शिफ्ट करना है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक हो गया, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लंबर कर्वेचर हो गया, प्रेशर ऑन ब्रेस्ट हील एंड जेनाइटल फूट जेनाइटल एरिया पे जो है प्रेशर आ सकती है तो वो ज़्यादा पेन अकर करता है, और फूट ड्रॉप्स के, तो देखिए फूट ड्रॉप हो गया, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, लंबर कन्वे, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लंबर कर्वेचर, ये तीन पॉइंट ना कुछ ज़्यादा ही कॉमन है सारे पोजिशन में अभी तक हमने जितने पढ़े हैं, ठीक है। आगे हो सके तो भी ये कॉमन्स ही हों, क्योंकि हमारे ये ऐसे कुछ कहते ना कि वो पॉइंट बताइए, वो एरिया बताइए जो बहुत ही ज़्यादा प्रोन होता है प्रेशर सोर के लिए, तो ये जस्ट कॉमन है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है कि शुरू करेंगे साइड लेइंग पोजिशन से, तो आज इतना, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो है कि लेटरल लेइंग पोजीशन से या जो है कि साइड लेइंग पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट, विल अगेन मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।